हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगोरिन फंटासी पर। तो इस मैच में आप देख रहे हैं बाजी स्पॉन्डिलिटी टेन लीग का जो 35th मैच खेला जाने वाला है एवेंजर्स और वॉरियर्स के बीच में, उस मैच की प्रीव्यू। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। तो जब आप जाइए टेलीग्राम पर जाकर टारगोरिन फंटासी के साथ कीजिए, वहाँ पर आपको 700 प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल मिलेगी वो चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए, वहाँ पर बहुत सारे आपको चैनल मिल सकते हैं कि 1K 2K सब्सक्राइबर वाला बहुत सारे चैनल मिल सकता है, लेकिन वो सारे चैनल आपको नहीं ज्वाइन करना है। वहाँ पर बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, तो इसलिए हम आपको अभी एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको एक बार टेलीग्राम पर दिखा देता हूँ कि कौन सी चैनल आपको ज्वाइन करना है। और एक बात देखिए, अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, तो लिंक में क्लिक करके वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। अभी चलता है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी चैनल आपको ज्वाइन करना है और ओरिजिनल चैनल कौन सा है। देखो गाइस, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है टारगोरिन फंटासी लीग के, ये जो 703 सब्सक्राइबर वाला चैनल है यही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, तो ये चैनल आपको ज्वाइन करना है। बाकी सारे आप देख सकते हो, यहाँ पर 1047, 1085 और 23 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है ये सारे फेक चैनल्स हैं, तो ये चैनल आपको नहीं ज्वाइन करना है। अब ये चैनल के ऊपर जाइए और इसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर जो डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है वो लिंक में क्लिक करके आप यहाँ पर इस चैनल को डायरेक्ट आ जाओगे और वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, अभी के अभी फाइनल टीम्स के लिए, विनिंग टीम्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी चलते हैं मैच की तरफ। देखिए, कल सुबह 8:30 बजे ये मैच खेला जाने वाला है, यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन पुदुचेरी सीसम ग्राउंड पर ये मैच होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड वेदर रहने वाला है, अगर बारिश की कोई चांसेस आए तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए, पिच रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहने वाले हैं और पेसर और स्पिनर्स दोनों को यहाँ पर सेम तरीके का हेल्प मिलता है। एवरेज स्कोरिंग स्कोर की बात करें, यहाँ पर 75 रहता है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, एवरेज रोल स्कोर रहा है यहाँ पर 75 और एवरेज फर्स्ट इनका टोटल स्कोर यहाँ पर रहा है 80। टॉस विन के बाद यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं 60% टीम्स, जहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करके जीतते हैं 60% टीम्स। अभी वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस सीजन का, यहाँ पर 33 मैच अभी तक खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते 14 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते 16। बाकी यहाँ पर बात करें, 2 मैच टाई हो गए थे और 1 मैच यहाँ पर बारिश के कारण अबैंडन हो गए थे। आज की मैच पोजीशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एवेंजर्स की टीम 55% विनिंग चांसेस है, जहाँ पर वॉरियर्स की टीम 45% विनिंग चांसेस है। बात करेंगे एवरेज एवेंजर्स की, यहाँ पर प्रॉबल प्ले एक्साई की विथ बैटिंग ऑर्डर, साथ में यहाँ पर प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मारियामुथु विघ्नेश्वरन है, ओपनिंग करेंगे अरविंद कोरंदवानी के साथ, दोनों ही डायरेक्ट के बल्लेबाज है। यहाँ पर मारियामुथु विघ्नेश्वरन अपने टीम के लिए कैप्टनसी भी करेंगे, साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। नंबर 3 पर आएंगे यहाँ पर आकाश आनंद करघा भी, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, साथ में यहाँ पर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। कार्तिकेयन जयसुंदरम राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। 10 नंबर नेम राइट आर्म बैट्समैन। नंबर 6 पर आएंगे यहाँ पर भरत शर्मा राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 7 पर देखिए पुवियासरन मनोगरम राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। मोहन दसार विकेट कीपिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर राइट आर्म बैट्समैन भी है। कश्यप पुरुष भी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। वेंकटेश्वरन एन राइट आर्म बैट्समैन, साथ में राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। नंबर 11 पर आएंगे और लॉरेंस जवाहरराज, यहाँ पर राइट आर्म बैट्समैन और साथ में राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। तो अभी थोड़ा सा स्टैट्स की बात कर लेते हैं, रिसेंटली क्या स्टैट्स रहने वाले हैं। मारियामुथु विघ्नेश्वरन 1 रन 0 रन 37 रन 8 रन 4 रन 38 रन 29 रन। तो बैटिंग में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, साथ में यहाँ पर हर एक मैच में विकेट निकल रहा है। लास्ट 3 मैच में बॉलिंग की और एक 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 करके विकेट निकाला। अरविंद कोरंदवानी की बात करें, 34 रन 8 रन 21 रन 8 रन 14 रन 4 रन और 30 रन बनाया। साथ में यहाँ पर आकाश आनंद करघा की देखिए 65 रन 5 रन 13 रन 49 रन 20 रन 41 रन और 35 रन। उसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं यहाँ पर कार्तिकेयन जयसुंदरम 21 रन 41 रन 7 रन 7 रन 0 रन 1 रन और 9 रन। नंबर 5 पर आते हैं थेनबा नैन 24 रन 25 रन 42 रन 14 रन 3 रन। और भरत शर्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 रन 6 रन 1 रन, साथ में पर लास्ट 2 मैचों में 1 विकेट और 3 विकेट निकाला, आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। पुवियासरन मनोगरन 1 रन, साथ में पर लास्ट 2 मैचों में 3 विकेट और 1 विकेट निकाला। मोहन दसार की बात करते हैं, लास्ट 3 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप गए हैं, 1 रन 1 रन 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एक भी मैच में यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। कश्यप पृथ्वी की बात करें, लास्ट 4 मैचों में यहाँ पर हर एक मैच में विकेट निकाला, 1 3 2 1, मतलब लास्ट 4 मैचों में यहाँ पर 6 विकेट निकल चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन बन सकता है बॉलिंग में। वेंकटेश्वरन एन की बात करें, 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट, लास्ट 4 मैचों में यहाँ पर 5 विकेट निकल चुके हैं। लॉरेंस जवाहरराज की बात करें, 2 विकेट और 3 विकेट। तो अभी बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर मस्ट बी 2 ओवर करके बॉलिंग मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर लॉरेंस जवाहरराज है, वेंकटेश्वरन एन है, कश्यप पृथ्वी है और यहाँ पर मनोगरन है। उसी के साथ यहाँ पर आपको
मरे मुथु विघ्नेश्वरन जो है कैप्टनशिप कर अपने टीम के लिए, ये इसको पांच ओवर मतलब इन पांचों को दो ओवर करके मस्ट बी बॉलिंग मिल सकते हैं। तो अभी एक बार देख लीजिए एवेंजर्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर को मस्ट बी यहाँ पर आपके लिए स्मॉलिंग की टीम पर पिक होना चाहिए। विघ्नेश्वरन, आकाश अनकर का भी, अरविंद कुरान दपानी, भरत शर्मा, मनोगरन, मोहन दसर, कश्यप पृथ्वी, तो यहाँ पर ये सात प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। साथ में यहाँ पर वेंकट दसरन, एन और लॉरेंस जवराज आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, आप चाहे तो इनको भी ले सकते हो स्मॉल लीग पर। चलते हैं यहाँ पर वॉरियर्स की तरफ, प्रॉबल प्लेयर्स विथ बैटिंग वाला, साथ में यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस हम देखेंगे। यश यादव ओपनिंग करेंगे यहाँ पर थमेश मनी जी के साथ। नंबर तीन पर आएंगे यहाँ पर पराश रत्ना परखे। नंबर चार पर आप देख सकते हैं सौरभ यादव। नंबर पाँच पर प्रेमराज राजापेलू। नंबर छः पर आएंगे यहाँ पर शिल्भम एम। नंबर सात पर आएंगे प्रभु बी। नंबर आठ पर आप देख सकते हो कि संतमूर्ति एस। नंबर नौ पर मयंक पांडे। नंबर दस पर सत्य कुमार। नंबर ग्यारह पर वैभव सिंह। तो अभी थोड़ा सा स्टैट्स देख लेते हैं, अभी नीचे से ही देखेंगे कि वैभव सिंह यहाँ पर देख लीजिए एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट और एक विकेट, लास्ट चार मैच में यहाँ पर पाँच विकेट निकाल चुके हैं। सत्य कुमार जीरो रन और एक विकेट निकाला। मयंक पांडे एक रन, साथ में यहाँ पर दो दो करके टोटल चार विकेट निकाला लास्ट दो मैचों में। संतमूर्ति एस की बात करें, लास्ट चार मैचों में यहाँ पर सात विकेट निकल चुका है, आपके लिए मस्ट पिक ऑप्शन, साथ में आपके लिए ग्रैंड लीग का एक बहुत ही बड़ा कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन का ऑप्शन बन सकते हैं इस मैच में। संतमूर्ति एस देख लीजिए लास्ट चार मैच में यहाँ पर सात विकेट निकाला। प्रभु बी की बात करें, नौ रन, आठ रन, इकतीस रन, सात रन बनाया। सिल्वा मेम छः नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, छः रन, जीरो रन, छः रन बनाया। प्रेम राजा बिलू को देख सकते हैं आप, तैंतीस रन, छः रन, 22 रन, 9 रन, 17 रन। सौरभ यादव 24 रन, 1 रन, 6 रन, 1 विकेट और 2 विकेट निकाला। बात करते हैं परस्त नपर की, यहाँ पर 0 रन, 19 रन, 51 रन, 3 रन, 6 रन, 36 रन, साथ में पर एक ही करके टोटल 2 विकेट निकाला। तमिज बानी जी 5, 10, 13, 0 और 2 रन बनाया लास्ट यहाँ पर 5 मैचों में। यश यादव की बात करते हैं, लास्ट 6 मैच खेला, 54 रन, 30 रन, 0 रन, 47 रन, 8 रन और 2 रन। देखिए ये आपके लिए गैर लीग पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए ओपनिंग करेंगे अपने टीम के लिए, साथ में पर विकेट कीपरिंग में थोड़ा सा पॉइंट्स दे सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं वॉरियर्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर दो ओवर करके मस्ट बी बॉलिंग करने की चांसेस है। आप देख सकते हैं संतमूर्ति एस, वैभव सिंह, सत्य कुमार, मयंक पांडे, सौरभ यादव। तो मेरे हिसाब से पांच बॉलर्स को दो ओवर करके मस्ट बी बॉलिंग मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रसन्नता पर के इनको दो ओवर मिल सकते हैं, नहीं तो ओवर डिवाइडेशन करके किसी एक की ओवर कट सकते हैं और इनको एक ओवर मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ओवर की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए। यश यादव, प्रसन्नता पर के सौरभ यादव, प्रेमराज राजापेलू, सत्यमूर्ति एस, मयंक पांडे, तो ये छः प्लेयर्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप चाहे तो सत्य कुमार और वैभव सिंह, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। स्मॉल का कैप्टन सिर्फ वाइस कैप्टन की चॉइस की बात कर लेते हैं, आकाश रन कर गावे, परास रत्ना परखे, मारे मुद्दे विघ्नेशरन, तीन जो डिफॉल्ट कैप्टनशिप के वाइस कैप्टन का ऑप्शन है आपके टीम पर रहना चाहिए। गैन लीग पिक्स में आप देखिए यहाँ पर पांच ऑप्शन है, क्योंकि देखिए गैन लीग पर अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आपके पास जितना ऑप्शंस रहे, जितना कॉम्बिनेशंस वाला टीम रहे, जितना ज़्यादा वेरिएशंस वाला टीम रहे, आपको जितने की चांसेस उतना ही बढ़ेंगे। आप यहाँ पर गैन लीग ऑप्शंस देखिए, के अरविंद, ए संतमूर्ति, कश्यप पृथ्वी, मयंक पांडे, विघ्नेश्वरन, एन। तो देखिए अगर आप गैन लीग पर यहाँ पर 20 टीम बनाकर खेल रहे हो, तो आपके लिए एक छोटी सी टिप्स रहेगा हमारी तरफ से कि आप पहले 11 प्लस को लेकर अच्छा सा स्मॉल लीग का टीम बनाओ, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, स्मॉल लीग का जो हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस आपके लिए रखा, इनमें से दो प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चूज़ करो। बाकी आप यहाँ पर गैन लीग में जो पाँच प्लेयर्स की लिस्ट हमने यहाँ पर दी है, इनमें से कोई दो और तीन को लेके हर एक टीम पर रोटेशन करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लो। नहीं तो यहाँ पर और एक काम भी कर सकते हो कि आप गैन लीग पर जो प्लेयर्स यहाँ पर रखा है, इनको ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दो, लेकिन तभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लीग का जो कॉम्बिनेशन हमने आपको बताऊंगा वो कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। देखिए एक टीम पर आप एट ए टाइम एक रिस्क ले सकते हो, एक तो है कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करना, दूसरा है प्लेयर्स का रोटेशन करना। एक टीम पर एट ए टाइम आप दो रिस्क नहीं ले सकते, तभी आपके टीम फ्लॉप होने वाले, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आप एक रिस्क लो एट ए टाइम एक टीम पर, तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा ग्रैंड लीग का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन करना है, तभी आपको जीतने की चांसेस बढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपके लिए स्टार्स ऑन की बात। अभी चलते हैं डीवन की तरफ, वहाँ पर हमने डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो टीम सिर्फ और सिर्फ डेमो और पर्सनल रिकॉर्ड बनाए हुए एक टीम रहने वाला है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर एक सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि 700 प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है वो चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने आपको पहले दिखाई दिया कि कौन से चैनल आपको ज्वाइन करना है, बाकी सारे बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, वो चैनल आप मत ज्वाइन कीजिए। चलते हैं डीवन की तरफ, देखिए विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर हमारी टीम पर रहेंगे यहाँ पर यश अविनाश यादव, एम दस जो है यहाँ पर गैली के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी यहाँ पर आर प्रवीण,
नहीं खेल रहा है एन कुजन रेफ, ये अभी नहीं खेल रहा है, तो अगर खेले तो हमको रेलिंग पर इन्फॉर्म कर देंगे। बैटिंग सिस्टम की तरफ देखें तो यहाँ पर ए अनंत करगावे, के अरविंद, उसके साथ यहाँ पर रहेंगे आर प्रेमराज, बाकी बी प्रभु और जे कार्तिकेयन और एन थेनाबान, साथ में पसेलवा में आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे हो सकते हैं। एस शिवासुब्रमण्यम नहीं खेल रहा है, अगर खेले तो आपको टेलीकॉम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर वी मरेमू तो है, साथ में यहाँ पर पी इतना परखे, एस संतामूर्ति और ये तीन टॉप ऑप्शन रहेंगे। जी थमेजमानी और एल जावराज आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा होगा, लेकिन स्मॉल लीग पर उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाले। बॉलिंग सेक्शन पर देखिए एन वेंकटेश्वरन रहेंगे, एम पांडे और यहाँ पर और एक प्लेयर जो हमारी टीम पर रहने वाला है वह सेफ चॉइसेस पर एम पुवियारसन, साथ में यहाँ पर के पृथ्वी, एस यादव और उसके साथ वैभव सिंह। वैभव सिंह को आप पिक कर सकते हो, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं कि लेकिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, अगर ये थोड़ा बहुत अच्छे कर जाए तो आपको वन सीट विन करवा सकते हैं। एस कुमार भी, भूषण शर्मा, ये आपके लिए गैन पर अच्छा होगा। अभी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बात करें, देख लीजिए यहाँ पर जो डिफॉल्ट कैप्टन होगा वो है ए अनंत करगावे, डिफॉल्ट वाइस कैप्टन होगा पी रत्न परखे। तो यहाँ पर सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, आप देख लीजिए वहाँ पर अपने गैलरी का भी डिस्कस कर देंगे। देख लीजिए वाई अविनाश यादव विकेट कीपरिंग सेक्शन में, के अरविंद, ए अनंत करगावे और आर प्रेमराज, यहाँ पर ये तीन प्लेयर रहेंगे बैटिंग में। और ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पर भी मारे मुतु, एस संतामूर्ति, पी रत्नापर के, ये तीन प्लेयर्स रहने वाले ऑलराउंडर सेक्शन में। एन वेंकटेशन, एम पुबीरसन, के पृथ्वी और एम पांडे, ये चार प्लेयर्स रहने वाले बॉलिंग सेक्शन में। हमारा जो डिफॉल्ट कैप्टन है वो ए अनंत करगावे और पी रत्नापर के डिफॉल्ट वाइस कैप्टन है। सेफ और गैनली के लिए आपके लिए कौन कौन से प्लेयर अच्छे कैप्टन से वाइस कैप्टन चॉइस हो सकते हैं एक बार देख लीजिए। आर प्रेमराज और बनना चाहते हो ओपनिंग करेंगे, के अरविंद, बी मारे मुतु, यहाँ पर के पृथ्वी, इनको दो ओवर बॉलिंग मिल गया तो इसलिए ये पांच बॉलर सॉरी यहाँ पर पांच प्लेयर आपके लिए अच्छे कैप्टन से वाइस कैप्टन का ऑप्शन होने वाले हैं ग्रैंड लीग पर। लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ये स्मॉल लीग का सेफ कॉम्बिनेशन रहे। तो ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाइए वहाँ पर लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम बने, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पर।